الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلوات मैं सबसे पहले अपने आप को और आप बुजुर्गों को मोमिनीन को तक्वा इलाही की वसीयत करती हूँ। तक्वा इलाही जो बाइसे निजात इंसान है दुनिया और आखिरत में, ये तक्वा जिसके बगैर दीनदारी नामुकम्मल और नाकिस है, ये तक्वा जिसके बगैर इंसान न दुनिया में सुकून और आरामिश पा सकता है और न आखिरत में इस तक्वा के बगैर इंसान सुकून और आरामिश पा सकता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा इरादा ये होना चाहिए कि हम तक्वा के मुख्तलिफ़ उसूलों को अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते जाएँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके दो दिन मारिफत के हवाले से, तक्वा के हवाले से, इखलास के हवाले से, अमल के हवाले से जिसके दो दिन मुसावी हो, फहुवा मज़मून, वो फरीक खोर्दा है, शैतान ने उसे धोखा दिया है और शैतान उस पर ग़ालिब आया है। तो होना ये चाहिए, एक मोमिन की सिफत और निशानी ये है कि वो हर दिन मारिफत के हवाले से तरक्की करता जाए, वो हर दिन तक्वा के हवाले से तरक्की करता जाए। मोमिन के पास उसका अपना एक हिसाब किताब होना चाहिए कि मैं कल तक्वा के किस मरहले पर फायज था और आज तक्वा के किस मरहले पर फायज हूँ, कल मेरी तवज्जो नमाज में किस कदर थी और आज मेरी तवज्जो नमाज में किस कदर है। बस मोमिन की निशानी यह है कि मोमिन अपने आमाल का, अपने एतकादात का, अपने किरदार का हिसाब किताब रखता है। इसी वजह से जब अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर अल-मीज़ान इनकी बुलंदी दर्जात के लिए और तमाम उलमाए आलम इस्लाम की बुलंदी दर्जात के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद, जब इनसे सवाल किया गया कि अल्लामा हम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम सालिक इल्लाह बने, सैर सुलूक करें और अल्लाह के रास्ते पर गामजन हो, तो आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। ये 22 साल जवान अल्लामा के लिए खत लिखता है कि मैं गुनाहों में गिरा हुआ हूँ, मैं गुनाहों से थंग आ चुका हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह की राह पर गामजन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तबातबाई मुफस्सल जवाब लिखते हैं, उस जवाब का एक हिस्सा यह है कि अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह इस जवाब को ताकीद फरमाते हैं कि तुम्हें हर दिन अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। जब सुबह तुम नींद से बेदार हो तो सबसे पहले अल्लाह के साथ ये अहद करो कि ऐ अल्लाह आज मैं गुनाह अंजाम नहीं दूंगा। पूरे दिन इस अहद के मुताबिक तुम अपने इस पाबंद वादे पर पाबंद रहो, तुम्हें याद रहे कि तुमने सुबह अल्लाह से वादा किया है कि आज गुनाह नहीं करूंगा, और रात के आखिरी पहर में जब तुम सोने लगो तो अपने पूरे दिन का हिसाब किताब करो कि क्या आज मैंने अल्लाह की इताअत की या नहीं की। अगर खुदा ना खास्ता नऊज़ बिल्लाह मुझसे कोई नाफरमानी हुई है तो फौरन इंसान वहीं पर तौबा करते,
फौरन इंसान कहीं पर तौबा करे। लिहाजा मोमिन की निशानी और सिफत यह है कि मोमिन अपने आमाल का, अपने वजूद का, अपने किरदार का हिसाब किताब रखता है। लिहाजा उसे अपना हर दिन पिछले दिन से कंपेयर करना चाहिए कि आज मैं तकवा के हवाले से मैं तरक्की कर चुका हूँ या नहीं, आज मेरे इल्म और मारिफत में इजाफा हुआ है या नहीं, आज मेरे खुलूस में इजाफा हुआ है या नहीं, इन चीज़ों का हिसाब किताब रखना चाहिए। यकीनन जो शख्स और जो मोमिन अपने इन उमूर का हिसाब किताब रखेगा वो यकीनन दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। जिस तरह एक ताजिर अपने दुकान का हिसाब किताब न रखे, कौन सा माल आया है दुकान में, कौन सा माल गया है दुकान से, अगर एक ताजिर अपने दुकान का हिसाब किताब न रखे तो बहुत ही जल्द शिकस्त के साथ उसका सामना होगा, वो शिकस्त से दो चार होगा। बिल्कुल ईमान का मामला भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर इंसान अपने ईमान के हवाले से अपना हिसाब किताब ना रखता हो, अपना मुहासबा ना रखता हो, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि शैतान उसे बहुत जल्द वासीले जहन्नम कर सकता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर दिन अपने इस्तिग़फ़ार पर काम करें, अपने इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो दें ताकि हमारा हर दिन हमारे पिछले दिन से बेहतर हो। जिस तरह कि मैंने पिछले हफ्ते भी वादा किया कि बहरहाल अल्लाह के मुख्तलिफ कवानीन का हम तस्करा करेंगे, वो मानवी और इलाही कवानीन और रूहानी कवानीन जो इस दुनिया में हाकिम है, हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे एक कानून का तस्करा करें और एक कानून को बयान करें ताकि इन कवानीन के हवाले से हमारी मारिफत बढ़े और हम उसे अपनी अमली ज़िंदगी में अमली जामा पहना सकें। जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ, परवरदिगार आलम इस आयत में फरमाते हैं कि इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। हम सब ने बारहा और बारहा मेंबरों से इस आयत का तस्करा सुना है, इस आयत का जिक्र हमने सुना है। परवरदिगार आलम इस आयत में फरमाते हैं कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि नमाज इंसान का मुहाफिज बन जाता है। अगर इंसान नमाज गुजार बन जाए तो ये नमाज इंसान का मुहाफिज बन जाता है। किस हवाले से मुहाफिज बनता है? ये नमाज इंसान की मुहाफिजत करता है फहशा और मुनकरात से। ये नमाज फहशा और मुनकरात को इंसान के नज़दीक आने नहीं देता। ये नमाज गुनाहों को इंसान के नज़दीक आने नहीं देता। ये नमाज मुहाफिज बन जाता है ताकि इंसान पलीदियों से और निजासात से दूर रहे। ये सरीह आयत कुरान में परवरदिगार आलम ये फरमाता है कि इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि ये नमाज इंसान के लिए मुहाफिज बन जाती है, इंसान को मुहाफिजत करती है गुनाहों से, फहशा और मुनकरात से, अल्लाह की नाफरमानी से। लेकिन जब हम इस आयत को मद्देनजर रखते हैं और आकर अपने मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाते हैं, आकर अपने अतराफ में जो मोमिनीन हैं उनकी तरफ हम नजर दौड़ाते हैं, तो हमें ये बात वाज़े तौर पर नजर आती है कि इस आयत का मिसदाक हमें वाज़े तौर पर नजर नहीं आता मुआशरे में। एक मोमिन को हम देखते हैं बहरहाल वो अफराद जो नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन सूद भी खाते हैं, रिबा भी खाते हैं, वो अफराद जो नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन गुनाह भी अंजाम देते हैं, वो अफराद जो नमाज भी पढ़ते हैं झूठ भी बोलते हैं, वो अफराद जो नमाज भी पढ़ते हैं नामेहरों की जानिब भी देखते हैं, तो ये नमाज की मुहाफिजत नहीं कर पाती। ये नमाज जबकि अल्लाह ताला वाज़े अंदाज में बयान फरमाता है कि इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज इंसान का मुहाफिज बन जाता है। इसकी वजह कि क्यों हमें ये असर हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता, क्यों हमारी नमाज हमारी मुहाफिजत नहीं करती गुनाहों से, इसको मैं एनालाइज करना चाहूंगा, इसको तहलील करना चाहूंगा। इससे पहले कि इसकी तहलील की तरफ जाए एक मरतबा दुरूद भेजो मोहम्मद वाले। माजरत चाहता हूँ, मेरा आज तबीयत कुछ नासाज है। किस लिए हमारी नमाज हमारी मुहाफिजत नहीं करती गुनाहों से? अल्लाह ताला का एक कानून है, ये कानून मादी कवानीन से कुछ मुख्तलिफ है। मादी दुनिया में हम जब कोई फेल अंजाम देते हैं, जब कोई काम अंजाम देते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर उस फेल में हमारी तवज्जो ना हो तो वो फेल अपने नेचुरल प्रोसेस को पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, खाने के दौरान मेरी तवज्जो मेरे दीवारे पर नहीं है, मेरी तवज्जो मेरे खाने पर नहीं है, मैं अपने पास बैठे हुए दोस्त से गुफ्तगू भी कर रहा हूँ और खाना भी कर रहा हूँ। हर जब खाना खाने के दौरान मेरी तवज्जो खाने की तरफ ना हो, मैं क्या खा रहा हूँ इसकी तरफ मेरी तवज्जो ना हो, मेरी तवज्जो उस गुफ्तगू की जाए, लेकिन जो ही मैं निवाला उठाता हूँ, उसे अपने मुंह में रखता हूँ, चबाता हूँ और खाता हूँ, एक नेचुरल प्रोसेस के तहत वो खाना मेरे बदन में हजम हो जाता है, चाहे मेरी तवज्जो हो या मेरी तवज्जो ना। मेदे में जो तेजाब होता है उस खाने को वो तजिया करता है, उस खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
मैदा उसे जज़्ब करता है और खून में जाकर शामिल करता है और बदन के मुख्तलिफ आज़ा तक उन न्यूट्रिएंट्स को, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे मुख्तलिफ चीजें हो, उनको बदन के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है, चाहे मेरी तवज्जो हो या मुझे शिद्दत से प्यास लगी, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं, मेरे पास कोई पानी लाता है, मैं दोस्त बातें कर रहा होता हूं लेकिन उस बातें करने के साथ उस गुफ्तगू के दौरान मैं पानी भी पीता हूं। मेरी तवज्जो इस जानिब नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूं ये पानी मेरी प्यास बुझाएगी, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस के तहत ये पानी मेरी प्यास बुझाएगी। ये दुनिया का कानून है। बहरहाल अगर हमारी तवज्जो ना हो, हम फिर भी उस अमल का असर अपनी जिंदगी में देखेंगे, लेकिन मानवी उम्र में यह कानून कुछ मुख्तलिफ है। मानवी उम्र में यह कानून मुख्तलिफ है। किस हवाले से मुख्तलिफ है? मानवी उम्र में यह कानून इस हवाले से मुख्तलिफ है कि अगर हम मानवी उम्र में, जैसे इबादात में, नमाज में, मुख्तलिफ इबादतों में अगर हमारी तवज्जो नहीं होगी तो वो अमल अपना असर हमारी जिंदगी में नहीं दिखाएगा, उस अमल का असर हमारी जिंदगी में नहीं होगा। इसी वजह से आप देखिए कि किस कदर हुजूर कल्ब पर ताकीद हुई है। जब कोई मोमिन कोई इबादत अंजाम देता है, उसकी शर्त अव्वल और शर्त कबूलियत यह है कि वो हुजूर कल्ब रखता हो, वो जाहिरी तौर पर तमाम आदाब की रियायत करता हो, वो बेहतरीन अंदाज में वुजू भी करता हो, वो बेहतरीन अंदाज में लिबास भी पहनता हो, लिबास में अपना अत्र भी लगाता हो, खुशबू भी लगाता हो, अपना सज्जादा भी बेहतरीन अंदाज में बिछाया हुआ हो, लेकिन तमाम जाहिरी आदाब को पूरा करने के बाद अगर इसकी तवज्जो नमाज में नहीं तो वो नमाज दरगाह हक में मकबूल नहीं। हुजूर कल्ब के बगैर इबादत रद्द हो जाती है, इबादत हुजूर कल्ब के बगैर नामुमकिन है। तो हुजूर कल्ब किसको कहते हैं? हुजूर कल्ब उस तवज्जो को कहते हैं कि इंसान इबादत के दौरान उसकी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? परवरदिगार आलम की तरफ होनी चाहिए। वो अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, सिर्फ उसका बदन अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हो बल्कि उसका फिक्र, उसका जिक्र, उसकी जबान, उसके आज़ा और जवारे सब अल्लाह के महजर में हाजिर हो। हमारी नमाज क्यों हमारी जिंदगी में अपना असर नहीं दिखाती? हम इस आयत को क्यों अपनी जिंदगी में मुशाहिदा नहीं करते कि इन्न सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, मैं यहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के फौरन बाद खीबत करता हूँ, यहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के फौरन बाद मेरे दिल में किसी मोमिन की निस्बत कीना और कुदूरत होता है, बोझ होता है, यहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ वहां पर फौरन जाकर बदअखलाकी करता हूँ, मेरी ये नमाज क्यों मुझे फहशा और मुनकरात से नहीं रोक रही? क्योंकि मेरी नमाज में मेरी तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं, मेरी तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं, मैं अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ, मैं सिर्फ मेरा बदन जाहिरी हवाले से मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। तो ये मानवी और रूहानी कानून है कि इबादत में इंसान की तवज्जो किस जानिब होनी चाहिए, उस इबादत को अंजाम देते वक्त इंसान की तवज्जो अपने खालिक और मालिक की जानिब होनी चाहिए। किस तरह? एक आम चौकीदार, एक आम मुहाफिज, फर्ज कीजिए हम रात को आराम से सोते हैं, हमारे दिल में ये बेहद इत्मीनान है कि हमारे गली में एक चौकीदार, एक मुहाफिज पहरा दे रहा होता है। उस पहरादार का काम क्या होता है कि वो पहरा दे, वो मुहाफिजत करे, उसकी तवज्जो किसकी तरफ रहे? उसकी तवज्जो गली कूचों की तरफ रहे कि कोई चोर आकर किसी घर में चोरी और डाका ना डाले, उसका काम ही होता है। लेकिन अगर यही मुहाफिज, उसकी तवज्जो अपने काम की जानिब नहीं होगी, वो जो ही रात को उसकी ड्यूटी शुरू होती है वो फौरन मोबाइल अपने सामने खोल लेता है, यूट्यूब खोल लेता है, कोई गेम खेलना शुरू कर देता है, जो ही उस मुहाफिज की तवज्जो उस अमल से हट जाती है, चोर आकर अपना काम कर लेता है, आकर किसी घर में उतरता है, डाका डालता है और डाका डालकर चला भी जाता है, लेकिन इस मुहाफिज को खबर नहीं होती, इस मुहाफिज को खबर नहीं होती। बस मुहाफिज होने के साथ साथ तवज्जो शर्त अमल है कि इस मुहाफिज की तवज्जो अपने उस फेल की जानिब होनी चाहिए, अपने उस अमल की जानिब होनी चाहिए। जब तक ये अपने उस मुहाफिजत के अमल की तरफ तवज्जो नहीं देगा तो चोर आकर अपना काम अंजाम देगा, चोर आकर घरों में चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा और इसको खानो खान खबर भी नहीं। बिल्कुल यही प्रोसेस, बिल्कुल यही अमल हमारे इबादत के साथ है। क्यों हमारी नमाज हमारी मुहाफिजत नहीं करता? क्योंकि हम नमाज में तवज्जो किसकी जानिब होती है? दुनिया की जानिब होती है, हम बिल्कुल अल्लाह की जानिब हमारी तवज्जो होती नहीं। इमाम खोई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब असरार उस सलात में मोमिनीन पर लाजिम है कि ये किताब उनके घरों में होनी चाहिए, इस किताब का जाकर मुताला करें। इमाम खोई रहमतुल्लाह अलैह उस अजीम रूह के मालिक, उस बड़े इरफानी मकामी इरफानी के मालिक, उस अजीम आरिफ के मालिक, उस अजीम फिलासफर की यह किताब है असरार उस सलात, जिसमें वो नमाज के मुख्तलिफ असरार को बयान फरमाते हैं। इमाम खोई रहमतुल्लाह अलैह ने इस असरार उस सलात में बयान फरमाते हैं
कि एक नमाज, एक इंसान, एक मोमिन की नमाज किस कदर उसे फायदा देती है, एक मोमिन की नमाज की ताकत किससे मरबूत और किस चीज से मुंसलिक है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो इस रास्ते पर खुद चले हैं, जिसने, जिस हस्ती ने खुद एक एक चीज को अप्लाई किया है अपनी जिंदगी में, इरफान के मराहिल को तय करके इरफान के आखिरी मराहिल तक पहुंचे, वो शख्स आकर ये किताब लिखता है जिसने हर मरहले को नजदीक से देखा है, जिसने हर चीज को खुद अपनी जात पर तजुर्बा किया है, वो आकर कहते हैं कि मोमिन की नमाज, उस मोमिन की नमाज की ताकत किस चीज से वाबस्ता है, इंसान के हुजूर कल्ब से वाबस्ता है, इंसान के हुजूर कल्ब से वाबस्ता है कि ये मोमिन किस कदर तवज्जो देता है, किस जानिब तवज्जो दे इंसान, अल्लाह की अजमत की जानिब तवज्जो दे, किस जानिब तवज्जो दे इंसान नमाज में, अल्लाह की अजमत को तसव्वुर करे, अल्लाह की बुजुर्गी को तसव्वुर करे, किस लिए बार बार अल्लाह की अजमत और बुजुर्गी का जिक्र होता है, सुभान रब्बी अलअला व बिहमदि, सुभान रब्बी अलअज़ीम व बिहमदि, ताकि इंसान उस अजमत की तरफ मुतवज्जे हो। जब इंसान अजमत की तरफ मुतवज्जे होगा तो उसको ऑटोमेटिक नतीजा क्या निकलेगा कि इंसान जब किसी अजीम शख्सियत के पास जाता है, जब इंसान किसी अजीम हस्ती के पास जाता है तो अपने आप को हकीर समझता है, अपने आप को हकीर देखता है। मुझे नहीं मालूम बहरहाल आपको ये तौफीक मिली है या नहीं किसी मुज्तहिद के साथ, किसी आरिफ के साथ आपने मुलाकात की है या नहीं। जब बुजुर्गान दीन के साथ इंसान मुलाकात करता है, उनकी अजमत को देखता है, उनकी बुजुर्गी को देखता है, तो इंसान अपने वजूद में एक हकारत का एहसास करता है कि ये शख्स किस मकाम पर पहुंचा है और मैं किस कदर हकीर हूं। क्या मैं इस नमाज के बाद अल्लाह से नजदीक होने को महसूस कर रहा हूँ या नहीं,
अगर मैं महसूस कर रहा हूँ अल्लाह से नज़दीक होने को, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के उस क़ुर्ब को, अल्लाह के उस नज़दीक होने को महसूस कर पा रहा हूँ, तो यकीन जानिए इसका मतलब ये है कि मैंने नमाज का हक अदा किया। लेकिन अगर नमाज के बाद मेरी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आती, नमाज के बाद मेरी कैफियत में कोई चेंज नहीं आता, मैं अपने आप को अल्लाह से करीब तर महसूस नहीं करता, तो मुझे फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरी नमाज में कौन सा नक्स मौजूद है कि मैं अल्लाह से नज़दीक होने का एहसास नहीं। और इसी तरह बेशुमार फवाइद और आसार नमाज के बारे में अहले बैत अलैहिस्सलाम और आयात ने बयान किया है। अगर हम उन आसार को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं तो उसका एक अहम मुद्दा ये है हम जो हमारा हुज़ूर कल नमाज में नाफ़िस है या बिल्कुल हुज़ूर कल है ही नहीं या मालूम नाफ़िस कोशिश करनी चाहिए अपने हाथ नमाज से पहले अपने आप को तैयार करें और अलग अंजाम नहीं दी। मैंने इस वक्त किसी और फिक्र को अपने जहन में जगह नहीं दी। मेरी मुकम्मल तवज्जो किसकी जानिब होनी चाहिए?
शोबे देखे, वो चीजें देखे जिससे इंसान अल्लाह से नजदीक होता है। उन मुख्तलिफ चीजों में से एक बहुत अहम चीज जो इस हवाले से अल्लाह की अजमत को समझने के हवाले से इंसान को मदद देती है, वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कायनात के बारे में, जो स्पेस के बारे में बनी है, जो मुख्तलिफ सितारों और सैारों के बारे में बनी है, जो कहकशानों के बारे में बनी है। इंसान जाकर उन चीजों को देखे और फिक्र करे कि ये कायनात किस कदर अजीम है, ये कायनात, ये मादी कायनात जो हवाली में वजूद में सबसे पस्त है, इसी वजह से अलहयात दुनिया कहा जाता है। दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया दुनूफ से लिया गया, पस्ती से लिया गया है। ये दुनिया इस कदर पस्त और इस कदर छोटी है कि इसे दुनिया कहा गया है, यानी पस्त कहा गया है। ये अपनी पस्ती में ये दुनिया किस कदर अजीम है, माहिरीन फलकियात कहते हैं कि हम जिस कहकशा में जिंदगी गुजार रहे हैं उसका नाम कहकशा है, राह शीरी या मिल्की वे, इसमें किस कदर सितारे हैं। माहिरीन फलकियात कहते हैं कि अगर हम एक कहकशा के अपने इस कहकशा के सितारों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, और हर सेकंड में हम एक सितारा गिने, एक सेकंड में एक सितारा, दूसरे सेकंड में दूसरा सितारा, सिर्फ एक कहकशा जिस कहकशा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ एक कहकशा के सितारों को गिनने के लिए हमें 2500 साल उम्र लगता है। 2500 नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज के दौरान उनकी अबा का
वसल्लम के शान मुबारक से गिर जाता है। नमाज के बाद एक शख्स आता है, इमाम से सवाल करता है, ए इमाम, नमाज के दौरान आपकी अब आपके शाने से उतर गई, आपके कंधे से उतर गई, आपने नमाज के दौरान अपनी आवाज सीधी क्यों नहीं की, आपने अपनी आवाज सही क्यों नहीं की। तो इमाम ने कहा, मैं जिस खालिक, मैं जिस हस्ती के महजर में खड़ा था, मेरी तवज्जो दुनिया की जानिब नहीं थी बल्कि खालिक दुनिया की जानिब थी, मेरी तवज्जो दुनिया की जानिब नहीं थी बल्कि खालिक कायनात की जानिब थी। मैं कैसे उस खालिक की बारगाह में हाजिर होकर, मैं उस अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कैसे मेरी तवज्जो दुनिया की जानिब जा सकती। बहरहाल हम इन हस्तियों के मानने वाले हैं, हम इन हस्तियों के पैरोकार हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दिन ब दिन इन हस्तियों की तरह बनने की कोशिश करें। बहरहाल रूहानी हवाले से उस मकाम तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन ज़ाहरी हवाले से कर सकते हैं कि उन्हीं के बात को फॉलो करके और उन्हीं के रास्ते को फॉलो करके आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ज़ाहिर और बातिनी हवाले से उनसे खरीदा करते चले। बहरहाल बहुत ज़्यादा नहीं बचा, दो तीन इज्तिमाई मसाइल के हवाले से तज़क्कुरात देना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़ाहिरीन का मसला है। बहरहाल ज़ाहिरीन इस वक्त बॉर्डर पर बहुत ही मुश्किल का शिकार है, ज़ाहिरीन इस वक्त बॉर्डर पर मुश्किल का शिकार है। बहरहाल हमारी हुकूमत को पता है कि हर साल अयाम अरबईन में ज़ाहिरीन का ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद ज़्यारत के लिए जाती है। उन्हें यह करना चाहिए कि हद-ए-अक़ल मुख्तलिफ चीज़ों को फराहम करना चाहिए ताकि ज़ाहिरीन मुश्किल का शिकार ना हो। यही ज़ाहिरीन हम जाकर देखते हैं इराक के बॉर्डर पर जब पहुँचते हैं लाखों की तादाद होती है, उन्हें ज़रा बराबर भी कोई मसला पेश नहीं आता, जबकि इराकी बॉर्डर पर सिर्फ पासपोर्ट का मसला नहीं होता, सिर्फ स्टैंप लगाने का मसला नहीं होता, खाने का मसला होता है, पीने का मसला होता है, वॉशरूम्स का मसला होता है, लेकिन जरा बराबर भी वहाँ कोई मसला पेश ही नहीं आता ज़ाहिरीन को। फौरन बिल्कुल एक रिदम के साथ, एक स्मूथनेस के साथ ये ज़ाहिरीन जाकर अपना काम आगे ले जाते हैं और बॉर्डर पार करके पहुँच जाते हैं कर्बला और नजफ। जबकि हमारे यहाँ यहाँ पर तफ्तान बॉर्डर पर सिर्फ पासपोर्ट का मसला है, सिर्फ एग्जिट लगाने का मसला है, उसमें ज़ाहिरीन को बहुत सारी मुश्किल दरपेश है। बहरहाल हुकूमत को इस हवाले से कोताही नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये हुकूमतें, ये पोस्ट और मकाम, ये आनी जानी चीज़ें हैं। हमारा आखिरी मकसद जो है, हमारा आखिरी आरामगाह जो है वो आखिरत है, हमने आखिरत में पेश होना है। वहाँ पर हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जवाब देना है। ये ज़ाहिरीन, इनकी हैसियत बहुत बुलंद वाला है, इनकी हैसियत और इनका मकाम हम अपने ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते। हमें ज़ाहिरी तौर पर एक आम इंसान नजर आता है जो ज़ियारत पर जाना चाहता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनका मकाम बहुत अजीब है। अल्लाह के पास और अलैहिस्सलाम के पास इनका मकाम बहुत ही अजीब है। अल्लामा राशिद नदवी से नकल हुआ है कि वो तवस्सुल करते हैं इमाम हुसैन से, रात को आधी रात को जाते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल कर सके। जब वो हरम में पहुंचते हैं, ज़री के पीछे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, वो जाकर ज़री के पीछे देखते हैं कि कुरान रखे हुए हैं रहले कुरान पर, और उनके वालिद और बाज़ उलमा वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। उनके वालिद जब अपने बेटे को देखते हैं, तो बहरहाल उनके वालिद फौत हो चुके हैं, ये मानवी और रूहानी मुकाशफा है। उस मुकाशफे में अपने वालिद को देखते हैं, का वालिद अब्दुल्लाह मराशी का वालिद उनसे पूछता है कि बेटा रात के इस वक्त कहाँ आए हैं। तो अब्दुल्लाह मराशी कहते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल कर रहा हूँ। लिहाजा इन जैसे उम्र
امور میں اگر ہم کوتاہی کریں, ان جیسے امور میں اگر ہم بہرحال مشکلات کا شکار ہوں, تو ہمیں اپنے اس قدرت پر شک کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ان وسائل پر شک کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے یہ وسائل ہاتھی کے دانت نہیں ہونے چاہیے, ان وسائل کو بروئے کار نہ کر زائرین کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں. اور سننے میں آ رہا ہے بہرحال اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ بہرحال عراق نے دوبارہ زائرین پر اپنا بارڈر بند کیا ہے, یہ سننے میں آ رہا ہے. تو بہرحال یہ انتہائی واقعی خبیث عمل ہے, یہ انتہائی غلط عمل ہے. زائرین کی مشکلات کا سامنا کر کے پہنچتے ہیں جبکہ عراقی ایمبیسی ویزا بھی دیتی ہے زائرین کو, اور بعد میں جب زائرین وہاں پہنچتے ہیں تو سننے میں آتا ہے بہرحال بارڈر بند. یہ انتہائی امام حسین علیہ السلام کی اس ولایت اور امام حسین علیہ السلام کے اس عشق کے خلاف. تو بہرحال اگر ہماری بات کسی طرح پہنچ جانی پہنچ سکتی ہے یا ہماری بات کسی طریقے سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, تو ہم بہرحال عراقی گورنمنٹ سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ زائرین کو زیادہ مشکلات درپیش نہ ہوں, اور بہرحال بعض زائرین سالوں سال اپنا پیسہ اکٹھا کر کے بہرحال کم پیسے جمع کر کے سالوں سال بعد زیارت کے لیے آتے ہیں, تو اگر انہیں بھی اس طرح کی مشکلات کا شکار ہوئے اس مشکلات کا شکار ہوئے, بہرحال یہ بہت ہی قدیم کام اور طویل ہمارے لیے. اور تیسرا مسئلہ جو حال ہی میں آپ سب نے سنا ہوگا, پاکستانی وفد کا اسرائیل جانا اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنا ہے. بہرحال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کے واضح الفاظ میں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے, میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے اس کے نمائندے نے جب قائد اعظم سے پوچھا کہ بہرحال آپ فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, قائد اعظم کے صریح الفاظ ہیں, یہ صریح بیانات ہیں کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور ان کے حق کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, ہم کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں. تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ ہر حد سے آپ کی مراد کیا ہے, تو قائد اعظم کے جو جملے ہیں قائد اعظم کا یہ جواب ہے کہ ہر حد سے ہماری مراد کہ اگر ہمیں اپنی خون نچاور کرنی پڑے تو ہم اپنا خون بھی بہائیں گے فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب ایک ملک اس بنیاد پر بنا ہے, جب ایک ملک کا بانی اس بنیاد پر اس نے ایک ملک کو بنایا, اس کا ویژن یہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے, اس کی نگاہ یہ ہے کہ اسرائیل غاصب ہے, اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں کا حق غصب کیا ہے, ان کے زمینوں کو غصب کیا ہے, ان کے گھروں کو غصب کیا ہے, ہر دن ان پر ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں, تو دو چار لوگ آ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر دیں, یہ اس طرح کی کوششیں کرنا قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے ساتھ خیانت ہے. بہرحال حکومت اس چیز کا سختی سے نوٹس لے, کیسے ایک پاکستانی پاسپورٹ جس پر لکھا ہوا ہے کہ بہرحال اس پاسپورٹ کے ذریعے ہم دنیا کے ہر ملک میں سفر کر سکتے ہیں بجوز اسرائیل, کیسے پاس پاکستانی اٹھ کر اسرائیل جاتے ہیں, وہ تو مختلف بہانے تراش کر, بہرحال باطل ہمیشہ بہانے تراشتے ہوئے اپنا عمل انجام دیتا ہے, تاریخ کے بہانے سے بہرحال جیو پولیٹیکل اوزا احوال کے حوالے سے یہ لوگ گئے. پاکستانی حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کے ساتھ سختی سے بہرحال ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ خیانت ہے, جو قائد اعظم محمد علی جناح کی نگاہ کے ساتھ اور ان کی عقیدوں کے ساتھ اور ان کی محنتوں کے ساتھ یہ بات خیانت ہے. ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اسرائیل کو کسی حوالے سے بھی تسلیم نہیں کرتے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صدق اللہ العظیم.